बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल एट योर होम्स। ओके स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी रिवाइज लेटर्स फ्रॉम एच टू एन, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लेटर्स फ्रॉम ओ टू यू। यस, बिफोर वी स्टार्ट अ वर्क, फर्स्ट वी रिसाइट अ दुआ। नाउ रिसाइट दुआ फॉर एवरीवन। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। ए हमारे रब, हमारे इल्म में इजाफा अता फरमा। ओके, एज यू नो दैट टुडे वी रिवाइज लेटर्स, सो आई शो यू सम फ्लैश कार्ड्स, सो इट विल हेल्प यू इन रिविजन। ओके, नाउ स्टार्ट। What is this? Which letter is this? O. Which letter is this? O. And O for orange. O for orange. Another word which start letter O. You know that? O for. And I want to show you something. What is this? O for onion. O for अनियन। यस, ये जो अनियन है किसका फ्रेंड है? ओ का। ओ फॉर अनियन। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट लेटर। व्हिच लेटर इज दिस? पी। व्हिच लेटर इज दिस? पी। एंड आई वांट टू शो यू समथिंग अगेन। पी फॉर पैन। पी फॉर पेन। और यहाँ पे देखें, टीचर के पास भी एक पेन है। यस, पी फॉर पेन। पी फॉर पेंसिल। ये देख रहे हैं, ये पेंसिल, ये भी पी की फ्रेंड है। पी फॉर पेंसिल। और एक और चीज भी है मिस के पास, अभी मिस के टेबल पे, इसलिए मिस आपको दिखा रही है। व्हाट इज दिस? पेंट। यस, ये भी पी का फ्रेंड है। पी फॉर पेंट। ओके, देखा पी के कितने सारे फ्रेंड्स हैं। अब हम नेक्स्ट लेटर पे जाते हैं। व्हाट कम्स आफ्टर पी? क्यू। क्यू फॉर क्वाइल। क्यू फॉर क्वाइल। और क्यू का कौन सा फ्रेंड है आपको पता है? आपके घर पे भी है क्यू फॉर। यस, आपको मैं दिखाऊंगी। व्हाट इज दिस? क्यू फॉर कुरान। जी, आप सब पढ़ते हैं ना घर पे कुरान? मम्मा भी पढ़ती होंगी, बाबा भी पढ़ते होंगे, आप ही भी पढ़ती होंगी। क्यू फॉर कुरान। जी, कुरान जो है वो क्यू का फ्रेंड है। क्यू फॉर कुरान। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच लेटर इज दिस? आर। विच लेटर इज दिस? आर। आर फॉर, यस, रैपिड। R for rabbit। और R का फ्रेंड कौन है? मम्मा भी पहनती है उसे अक्सर, आपको पता है। R for ring। Yes, मम्मा इसको पहनती है, टीचर भी पहन ले इसको हाथ पे। ये देखें, ये R for ring। ये जो ring है ना, ये R की फ्रेंड है। R for ring। अच्छी लग रही है मिस की रिंग, आपने बताना है मिस को, ठीक है? R for ring। Okay, next, which letter is this? S। Which letter is this? S। S for shoes। Wow, कितने cute shoes है ना। S for shoes। और S का friend कौन है मैं आपको दिखाऊं? ये आपके घर पे भी होगा, आप ही देखेगा, मम्मा को बताएगा। S for soap। Yes, इसे shower लेते वक्त आप use करते हो ना। S for soap। और एक और चीज भी होती है हमारे वॉशरूम में, वो भी S की फ्रेंड है। S for shampoo। Yes, shampoo भी S का फ्रेंड है। S for soap। Okay, next, which letter is this? T। Which letter is this? T। And T for towel। Yes, towel भी आप लेते हो ना, यूज करते हो। Yes, T for टॉवेल। और टी का फ्रेंड कौन है? यस, जब हम बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो फिर क्या खाते हैं हम लोग? ये देखिए,
टी फॉर टैबलेट्स। अक्सर मम्मा बीमार हो जाती हैं, फिर मम्मा को आपने देखा होगा ना, वो टैबलेट्स यूज़ कर रही होती हैं। यस, टी फॉर टैबलेट्स। ये टैबलेट्स जो है ना, ये इतनी सारी, ये किसकी फ्रेंड है? टी की। टी फॉर टैबलेट्स। ओके, नेक्स्ट, विच लेटर इज दिस? यू। विच लेटर इज दिस? यू। एंड यू फॉर अम्ब्रेला। यू फॉर अम्ब्रेला। और अम्ब्रेला हम कब यूज़ करते हैं? जी जब बाहर बारिश हो रही होती है, फिर हम अम्ब्रेला लेके हम बाहर जाते हैं ना। तो ये जो अम्ब्रेला है, ये किसकी फ्रेंड है? यू की। यस, यू फॉर अम्ब्रेला। और आप जब स्कूल आते हैं तो आप क्या पहन के आते हैं? यस, यूनिफॉर्म। यू फॉर यूनिफॉर्म। जो यूनिफॉर्म है वो भी यू का फ्रेंड है। यू फॉर यूनिफॉर्म। ओके, अब हम दोबारा से रिवाइज करते हैं इन लेटर्स को। आज हमने कौन से लेटर्स पढ़े? ये देखिए, मैं इसके पास डस्टर भी आ गया, डी का फ्रेंड, डी फॉर डस्टर। ओ पी क्यू आर एस टी यू। ओके, और अब हम क्या करेंगे? यस, आपको पता क्या होगा इसके बाद? इसके बाद हम करेंगे इन लेटर्स की राइटिंग। जी आप सबने मेरे साथ राइटिंग करनी है ना। अच्छा, मैं स्ट्रिंग उतार दें? चलिए मैं स्ट्रिंग उतार देती हूँ, उसके बाद आपको राइटिंग करना बताएंगे। ओके, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। पेंसिल। ओके, स्टार्ट करते हैं अब हम। फर्स्ट हम लेटर कौन सा बना रहे हैं? ओ यस, जस्ट लाइक अ बॉल इज। ओ, आपको पता है ओ जो है वो कैसा होता है? जीरो की तरह ही होता है ना, थोड़ा सा, बस ये थोड़ा सा बड़ा होता है। जस्ट लाइक अ बॉल इज। ओ यस। ओ के बाद कौन सा लेटर आएगा? पी। पी कैसे बनाएंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे, अ स्टैंडिंग लाइन। यहाँ तक देखेंगे, थर्ड लाइन पे लाके स्टॉप करेंगे। एंड अ कर्व मेक्स लेटर पी। ओके, अब कौन सा लेटर बनेगा पी के बाद? क्यू। क्यू बनाएंगे आप? क्यू इज जस्ट अ ओ, यानी पहले ओ बनाएंगे ऐसे, ठीक है, बिकम्स अ क्रॉस लाइन। इसमें से क्रॉस लाइन निकालेंगे ऐसे। विच लेटर इज दिस? क्यू। यस, एंड इट्स टाइम टू राइट आर। आर कैसे बनाएंगे? यहां से बनाती है मिस, ताकि आपको नजर आए। आर स्ट्रेट लाइन, अ कर्व, अ क्रॉस लाइन इज कॉल्ड आर। यस। ओके, आर के बाद कौन सा लेटर आएगा? एस। दिस कर्व एंड दिस कर्व इज मेक्स लेटर एस। ओके, एस के बाद टी। टी कैसे बनेगा? अ स्ट्रेट लाइन एंड अ स्लीपिंग लाइन मेक्स लेटर टी। टी के बाद कौन सा लेटर होगा लास्ट? यू। यू कैसे बनाएंगे आप मेरे साथ बनाओ? स्ट्रेट लाइन, कर्व, ओके, अनदर स्ट्रेट लाइन मेक्स लेटर यू। ये देखा आपने, पहले स्ट्रेट लाइन बनाई हमने, फिर उसको यूं कर्व किया, और फिर और एक स्ट्रेट लाइन बना दी, तो कौन सा लेटर बना? यू। ओके, अब फिर से मेरे साथ रिवाइज करो। ओ पी क्यू आर एस टी यू। ओके स्टूडेंट्स,
आपने मम्मा के साथ प्रैक्टिस करनी है, और आप मैं मम्मा से सबकी मम्मा से पूछूंगी कि कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है घर पे, इसलिए आप सबने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको याद भी आ जाए कि आपने कौन कौन से लेटर्स जो हैं वो अपनी पिछली क्लास में पढ़े थे. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू रिवाइज विद मी वेरी वेल एंड डू प्रैक्टिस एट योर होम्स. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज.